हेलो, वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। टेस्टिकल से रिलेटेड आपका सवाल ये है आज का कि क्या छोटे बड़े टेस्टिकल्स एक प्रॉब्लम है या ये आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? तो ऐसा नहीं है। नेचुरली भी टेस्टिकल मोस्टली जो राइट वाला होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा सा उससे स्लाइटली छोटा होता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट वाला थोड़ा सा नीचे लटका हुआ रहता है और राइट वाला थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है या किसी तरीके की समस्या है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक सवाल और भी आता है कि क्या इनका ज्यादा लटकना ठीक है या नहीं। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि टेस्टिकल्स जिस थैली में होते हैं, यानी जिसे हम स्क्रॉटम कहते हैं, यानी जिस थैली के अंदर दोनों गोटियां हैं, वो थैली ही एक ऑटोमेटिक थैली होती है। यानी जब बॉडी में गर्मी होती है या टेम्परेचर में गर्मी होती है या हमारी थाइस ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो थैली लटक जाती है, क्योंकि जो अंदर दो गोटियां हैं उनको टेम्परेचर बॉडी से 3 डिग्री कम चाहिए होता है। तो इसलिए वो थैली लटक कर उनको कूल करने की कोशिश करती है, जिससे कि अंदर की गोटियों को एक कूल टेम्परेचर मिले, यानी बॉडी से 3 डिग्री कम टेम्परेचर रहे। अब जैसे ही मान लीजिए आप फैन में आ गए या कहीं ऐसी जगह बैठ गए जहां मौसम ठंडा है, नॉर्मल है, तो फिर वो जो थैली है वो धीरे धीरे छोटी होने लगेगी और सुकड़कर साइज उसका कम हो जाएगा। तो ऐसे में जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया तो फिर वो सुकड़कर छोटी हो जाएगी। और ज्यादा टेम्परेचर कोल्ड हो गया, यानी मान लीजिए आप नहा रहे हैं, ठंडा पानी आपने बॉडी में डाला और उस पर भी ठंडा पानी गया, तो क्या होगा, देखेंगे आप कि वो सुकड़कर बिल्कुल बॉडी से चिपक जाएगी। तो उसका क्या मतलब होता है कि वहां पर उसको ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। तो उसको बॉडी में, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी ज्यादा ठंडी हो गई, तो उसको कूल टेम्परेचर से थोड़ा सा नॉर्मल चाहिए। स्क्रॉटम थैली, वो स्क्रॉटम यानी वो थैली उन टेस्टिकल्स को एक मेंटेन टेम्परेचर देने के लिए बॉडी से एकदम से चिपक जाएगी, जिससे कि उनको एक मेंटेन टेम्परेचर मिले। तो कभी कभी लोगों की ये भी कंप्लेंट रहती है कि कभी ये साइज छोटा हो जाता है, कभी बहुत नीचे को लटक जाते हैं, कभी ये फिर ऊपर आ जाते हैं। तो इसका एक मैकेनिज्म है, ये बहुत ही नेचुरल है और इसका कारण सिर्फ यही है कि एक मेंटेन टेम्परेचर देना। और उसके लिए मैंने अंडरवेयर पर बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उनको देखें। उसमें जो अंडरवेयर का ऑप्शन है आप उसे चूज करें, वो हर कंडीशन के ऊपर मैंने बनाया है कि आपको अगर एक्सरसाइज करनी है तो आपको क्या यूज करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए और क्यों पहनना चाहिए, और कौन सा अंडरवेयर आपके लिए बेस्ट है, वी शेप या फिर नॉर्मल ट्रंक जो नॉर्मल पहनते हैं वो, या फिर अंडरवेयर के क्या क्या पर्पज या यूजेस होते हैं, उन सब पर मैंने वीडियोस बनाए। आप उनको प्लेलिस्ट में से जाकर जरूर देखें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। दूसरा, ये जो थैली होती है जो कि उनको स्क्रॉटम्स को अंदर रखती है और मेंटेन टेम्परेचर देती है, इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, जो मेल हार्मोन होता है, वो भी मेंटेन सही से बने और साथ ही साथ जो स्पर्म काउंट है वो भी नॉर्मल रहे। तो इसलिए वो थैली कभी सुकड़ती है एक नॉर्मल टेम्परेचर देने के लिए और कभी वो फैल जाती है गर्मी से उनको बचाने के लिए। तो ये उसका एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, इस पर आप परेशान ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दूसरी नई जानकारी के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।